दुखी, गर्भस्थ, जीव का विविध प्रकार का चिंतन करना, यम यातना ग्रस्त जीव का सदा सुकृत करने का उपदेश देना। ताक्षर्य ने कहा, हे प्रभु, इस मृत्य लोक में अपने पुण्य की संख्या के अनुसार सभी जातियों में जो मनुष्य निवास करते हैं वे अपना काल आ जाने पर मृत्यु को प्राप्त करते हैं, ऐसा लोक में कहते हैं। इसके विषय में आप मुझे बताएं। विधाता के द्वारा बनाए गए उस मार्ग में स्थित वे प्राणी अत्यंत कठिन मार्ग से होकर गुजरते हैं। किस पुण्य से वे प्रसन्नता पूर्वक जाते हैं और किससे वे यहाँ रहते हैं और कुल बल तथा आयु का लाभ प्राप्त करते हैं। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, यह सुनकर जिनके द्वारा इस पृथ्वी का निर्माण हुआ है, जिन्होंने समस्त चराचर जगत की सृष्टि की है और समर्थ यम को अपने विहित कार्य में नियोजित किया है, उन महाप्रभु ने मनुष्य के शरीर, कर्म, भय और रूप का स्मरण करके गरुड़ से इस प्रकार कहा। भगवान ने कहा, हे गरुड़, यम मार्ग में गमन करने वाले जीवात्माओं का ऐहिक शरीर नहीं अपितु धर्म, अर्थ, काम तथा चिरकालीन मोक्ष प्राप्त करने की अभिलाषा रखने वाले अंगुष्ठ मात्र परिणाम में स्थिर दूसरा शरीर होता है। वह उसी रूप में अपने पाप पुण्य के अनुसार लोक एवं निवास गृह प्राप्त करता है। हे द्विज, उस यातना शरीर में स्थिर होकर यम पाश से बंधा हुआ वह जीव पुनः पुनः रोदन करता है। अत्यंत पवित्र देश में द्विज का शरीर प्राप्त करके भी मैंने न भगवान विष्णु की पूजा की, न पितरों एवं देवताओं को तृप्त किया, न मैंने यज्ञ दान आदि किया और न योग्य पुत्रादि संतति ही। मुझे यम मार्ग गामी का कोई बंधु नहीं है। मुझे पुनः द्विज का शरीर प्राप्त हो इस इच्छा से कोई पुण्य कार्य भी नहीं किया है। अत्यंत दुर्लभ ब्राह्मण तत्व प्राप्त करके वेद और पुराण की संहिताओं का भी अध्ययन मैंने नहीं किया है। इस प्रकार रुदन करते हुए देही से यमदूत कहते हैं कि हे देहीन, हाथ में आए हुए ब्राह्मण शरीर, पवित्र देश आदि रूपी अनमोल रत्न भी तुमने खो दिए। हे देहीन, तुम उसी के अनुसार अपना निर्वाह करो जैसा कि तुमने किया है। मनुष्य क्षत्रिय वंश का हो अथवा वैश्य वंश का हो, वह शूद्र हो या नीच वर्ण का हो, किंतु यदि वह देवता, ब्राह्मण, बालक, स्त्री, वृद्ध, दीन और तपस्वियों का हंता है अथवा इन्हें उपद्रव ग्रस्त देखकर परांड मुख हो जाता है, तो इसके सभी इष्ट देव उससे विमुख हो जाते हैं। पितृगण उसके द्वारा दिए गए तिलोदक का पान नहीं करते हैं और अग्निदेव उसके द्वारा दिए गए हव्य को भी नहीं स्वीकार करते हैं। हे पक्षिंद्र, संग्राम के उपस्थित होने पर शस्त्र लेकर जो क्षत्रिय शत्रु सेना के समक्ष द्वेष और भयवश नहीं जाता है तथा बाद में मारा जाता है, तो उसका शास्त्र बल मानो व्यर्थ ही हो गया। जो युद्ध में वीर गति प्राप्त करता है, उसने मानो चंद्र एवं सूर्य ग्रहण के अवसर पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान दे दिया, श्रेष्ठ तीर्थों में जाकर सदा स्नान कर लिया, गया तीर्थ में पहुंचकर सदा पितरों को पिंडदान दे दिया। जो क्षत्रिय अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए शरीर को छोड़ता है, वह सदा चिंता करता रहता है कि समर भूमि में मारे गए स्वामी के लिए, बलात् अपहृत गौ के लिए, स्त्री बालक की हत्या रोकने के लिए तथा मार्ग में लूटे जाने वाले साथियों के लिए अपने प्राणों का परित्याग मैंने नहीं किया। यम पाश में आबद्ध वैश्य अपने किए हुए कर्मों के विषय में सोचता है कि मैंने किसी प्रकार का पुण्य संचय नहीं किया, कुटुंब के लिए मुहांध होकर क्रय विक्रय में मैंने सत्य का भी प्रयोग नहीं किया। ऐसे ही शूद्र का शरीर प्राप्त करने वाला भी अपने कर्तव्य से विमुख रहते हुए यदि शरीर त्याग करता है, तो वह भी यह चिंता करता है कि मैंने ब्राह्मणों को न तो यश अस्कर दान दिया है और न उनकी पूजा की है। मेरे द्वारा इस पृथ्वी पर जलाशय का निर्माण नहीं करवाया गया है। मैंने किसी संस्कारहीन ब्राह्मण श्रेष्ठ का संस्कार कराने में योगदान भी नहीं किया है। शास्त्र विहित अपने कर्मों का परित्याग करके मदांध होकर मैं जीवित रहा।
श्रेष्ठ तीर्थ में जाकर अपने शरीर का परित्याग भी नहीं किया, मैंने धर्मार्जन भी नहीं किया है, कभी सदगति प्राप्त करने के लिए मैंने देवताओं की पूजा भी नहीं की है। समस्त लोकों में पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल ये तीन लोक सारभूत हैं। सभी द्वीपों में जम्बू द्वीप, समस्त देशों में देव देश अर्थात भारतवर्ष और सभी जीवों में मनुष्य ही सार हैं। इस जगत के सभी वर्णों में ब्राह्मण आदि चार वर्ण तथा उन वर्णों में भी धर्मनिष्ठ व्यक्ति श्रेष्ठ हैं। इस लोक यात्रा के मार्ग में स्थित जीवात्मा धर्म से सभी प्रकार का सुख और ज्ञान प्राप्त करता है। हे पक्षीन, गर्भस्थ जीव को अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान रहता है, वह वहां स्मरण करता है कि आयु के समाप्त होने पर शरीर का परित्याग करके अब मैं मलादि में रहने वाले छोटे छोटे कृमि या कीटाणुओं की एक विशेष योनि में स्थित हूँ। मैं सरक कर चलने वाले सर्पादि की योनि में पहुंचा, मच्छर हो गया था, चार पैरों वाला अश्व या वृषभ नामक पशु बन गया था अथवा जंगली शुकर की योनि में प्रविष्ट था। इस प्रकार गर्भ में रहते हुए उस जीवात्मा को पूर्ण ज्ञान रहता है, किंतु उत्पन्न होते ही वह तत्काल उसे भूल जाता है। गर्भ में पहुंचकर जो जीवात्मा चिंतन करता है, शरीरधारी वैसा ही जन्म लेकर बालक, युवा और वृद्ध होता है। यदि गर्भ में सोची गई बात सांसारिक ब्याह मोह के कारण विस्मृत हो जाती है तो पुनः मृत्यु काल में उसकी याद आ जाती है। यदि शरीर के नष्ट होने पर वह हृदय में ही रह गई है तो पुनः गर्भ में जाने पर उसका विस्मरण होना निश्चित है। उसे याद आता है कि मैं दूसरे को छलने का विचार करता रहा, मैंने शरीर की रक्षा के लिए धर्म का परित्याग करके दुत, छल कपट और चोर वृत्ति का आश्रय लिया। अत्यंत कष्ट से मैंने स्वयं लक्ष्मी को एकत्र किया था, किंतु अभिलषित धन का उपयोग मैं नहीं कर सका। अग्निदेव, अतिथि और बंधु बांधवों को स्वादिष्ट अन्न, फल, गोरस तथा तांबूल दे कर करके मैं उन्हें संतुष्ट करने में असफल रहा। चंद्रग्रहण हो या मेष मकर, राशियों पर सूर्य के प्रवेश का पुण्य काल हो, ऐसे अवसर पर भी श्रेष्ठ तीर्थों का सेवन मैंने नहीं किया। इसलिए हे देहीन, तुम मल मूत्र से भरे हुए अपने इस कोष को परिपुष्ट करने में लगे रहे, अतः तुम्हारा उद्धार कहाँ हो सकता है। इस पृथ्वी पर स्थित त्रिविक्रम भगवान विष्णु की प्रतिमा का दर्शन मैंने नहीं किया, उन्हें प्रणाम नहीं किया और न तो उनकी पूजा की है। प्रभास क्षेत्र में विराजमान भगवान सोमनाथ की भक्ति पूर्वक पूजा एवं वंदना भी मेरे द्वारा नहीं हुई है। जब ऐसी चिंता मृत प्राणी करता है तब यमदूत उससे कहते हैं कि हे देहधारिण, जैसा तुमने किया है उसके अनुसार अपना निस्तार करो। हे देहीन, पृथ्वी के श्रेष्ठतम तीर्थों की सन्निधि में जाकर उनमें स्नान कर तुम्हारे द्वारा विद्वानों, ब्राह्मणों एवं गुरुजनों के हाथ में कुछ नहीं दिया गया, अतः जैसा तुमने किया है वैसा भोगो। हे जीव, तुमने चंदन और नवेद आदि पंचोपसार से और चंदना युक्त बलि प्रदान करके मातृका पूजन नहीं की, न तो तुम्हारे द्वारा विष्णु, शिव, गणेश, चंडी अथवा सूर्यदेव ही पूजे गए हैं, अतः तुमने जो कर्म किया है उसी में अपना निर्वाह करो। हे देहीन, तुम्हें तो देवत्व प्राप्त करने योग्य मानव योनि की प्राप्ति हुई थी, किंतु मोहवश यह सब समाप्त हो गया। विमूढ़ बुद्धि, तुमने अपनी गति को नहीं देखा, इसलिए जो तुमने किया है अब उसी में निस्तार करो। हे पक्षीन, धर्म, अर्थ तथा यश को प्रदान करने वाले ऐसे पूर्वोक्त परलोक पथ के पथिक जीवों के पश्चाताप वाक्य का विचार करके इस मनुष्य लोक में जो धर्माचरण करते हुए पुण्य देश में निवास करते हैं वे इसी मनुष्य लोक में जीवन मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। ऊपर किए हुए वर्ण के अनुसार विलाप करते हुए प्रेम को यमदूत अपने काल स्वरूप मुंद्रों से बहुत मारते हैं। वह हा देव यह स्मरण करता हुआ अपने को कोसते हुए कहता है कि तुमने अपनी कमाई से जो धन अर्जित किया था उसमें से किसी को दान नहीं दिया। पृथ्वी पर रहते हुए तुमने भूमिदान, गोदान, जलदान, वस्त्रदान, फलदान, तांबुलदान अथवा गंधदान भी नहीं किया, तो अब भला क्या सोच रहे हो। तुम्हारे पिता और पितामह मर गए,
जिसने तुमको अपने गर्भ में धारण किया, वह तुम्हारी माता भी मर गई, तुम्हारे सभी बंधु भी नहीं रहे, ऐसा तुमने देखा है। तुम्हारा पांच भौतिक शरीर अग्नि में जलकर भस्म हो गया। तुम्हारे द्वारा एकत्र किया गया संपूर्ण धन धान पुत्रों ने हस्तगत कर लिया। जो कुछ तुम्हारा सुभाषित है और जो कुछ तुमने धर्म संचय किया है वह तुम्हारे साथ है। इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाला राजा हो या अथवा सन्यासी या कोई श्रेष्ठतम ब्राह्मण हो, वह मरने के बाद पुनः आया हुआ नहीं दिखाई देता है। जो भी इस धरातल पर उत्पन्न हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। हे पक्षिंद्र, दूतों के सहित धर्मराज के पार्षद जब प्रेत से इस प्रकार से कहते हैं तो दुखी वह प्रेत उन गणों की महान आश्चर्यपूर्ण बातों को सुनकर मनुष्य की वाणी में कहने लगता है। जब दान के प्रभाव से व्यक्ति विमान पर आरूढ़ होता है उस समय धर्म उसका पिता है, दया उसकी माता है, मधुर एवं अर्थ गांभीर्य युक्त वाणी उसकी पत्नी है और सुंदर तीर्थ में किया गया स्नान उसका हितैषी बंधु है। जब मनुष्य अपने हाथ से सुकृत करके उसको भगवान के चरणों में अर्पित कर देता है तब उसके लिए स्वर्ग किंकर की भांति हो जाता है। जो प्राणी धर्मनिष्ठ है वह अत्यंत सुख सुविधाओं को प्राप्त करता है और जो पापी है वह नाना दुखों का भोग करता है। जो धर्मशील मान सम्मान तथा क्रोध को जीतने वाला विद्या विनय से युक्त दूसरे को कष्ट न देने वाला अपनी पत्नी में संतुष्ट और पराई स्त्री से दूर रहने वाला है वह पृथ्वी पर हमारे लिए वंदनीय है। जो मिष्टानंददाता अग्निहोत्री वेदांती हजारों चांद्रायण व्रत करने वाला मास पर्यंत उपवास रखने में समर्थ पुरुष तथा पवित्रता नारी है, ये छह इस जीव लोक में मेरे लिए वंदनीय है। इस प्रकार का सम्यक आचरण करते हुए जो मनुष्य वापी कूप और जल से पूर्ण तालाब बनवाता है, जो प्याऊ जलकुंड धर्मशाला तथा देव मंदिर का निर्माण कराता है वह उत्तम धर्म करने वाला है। वेदज्ञ ब्राह्मण को दिया गया वर्षासन, कन्या का विवाह, ऋणी ब्राह्मण की ऋण मुक्ति, सुगमता से बोई ज्योति, जाने वाले भूमि का दान तथा प्यास से दुखी प्राणियों के उसी के अनुकूल कूप तड़ाग आदि निर्माण से ही सब सुकृत है। शुद्ध भाव से जो प्राणी इस सुकृत सार रूप अध्याय को सुनता और पढ़ता भी है वह कुलीन है। वह धर्मनिष्ठ व्यक्ति मृत्यु के बाद निश्चित ही उस अनंत ब्रह्मांड के एकमात्र आश्रय नारायण को प्राप्त करता है।